दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए वाईपीएल की दुनिया के बड़े अपडेट्स। कल और आज के मुकाबले की अपडेट्स, जडेजा से चीनी गई कप्तानी, सनराइजर्स का एक और खिलाड़ी आईपीएल से बाहर, आईपीएल 22 में अंपायरिंग का सबसे खराब स्टैंडर्ड, धोनी खेलेंगे आईपीएल 23, कल के मुकाबले में बने बड़े रिकॉर्ड्स, अपडेटेड पॉइंट टेबल स्टैट्स और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल से जुड़े आपको बताने वाले हैं। आईपीएल जोर शोर से चल रहा है और बस आपको आराम से पूरे वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों के लिए वीडियोस रोज लाते हैं और हमारे आईपीएल अपडेट्स जिसका 461वां वीडियो है, और यदि आप हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों कल आईपीएल का 47वां मुकाबला खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 7 विकेट से जीत गए और लगातार जो 5 मुकाबले वह हारते आ रहे थे उस पर ब्रेक लग गया। इस मुकाबले में बेहद शानदार प्रदर्शन किया कोलकाता की तरफ से रिंकू सिंह ने और कोलकाता को जीत दिलाने में एक अहम रोल निभाया, जिसकी वजह से रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। हालांकि यह बात किसी को हजम नहीं हो रहा है कि आखिर पैट कमिंस को कोलकाता की टीम क्यों प्लेइंग 11 से बाहर किए हुए मौका नहीं दे रहे हैं। इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स आपको आगे बताएंगे और आज आपको आईपीएल का 48वां मुकाबला देखने को मिलने वाला है गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच, जो कि खेला जाएगा मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। और यह मुकाबला पंजाब की टीम के लिए डू और डाई का मुकाबला रहेगा। यदि इस मुकाबले में हारेंगे तो फिर प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे और इन मुकाबलों का मजा फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें इस आईपीएल के मौसम में। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, जहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर वाशिंगटन सुंदर फिर से चोटिल हो गए हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच टॉम मूडी ने यह कंफर्म कर दिया है कि वाशिंगटन सुंदर अपने अगले मुकाबले में जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा उसमें मौजूद नहीं रहेंगे और हो सकता है आने वाले कुछ मुकाबलों के लिए वह फिर से उनका ट्रीटमेंट होगा। इसके पहले भी 3 मुकाबलों के बाद उन्होंने वापसी की थी और फिर से चोटिल हो गए। हालांकि वाशिंगटन सुंदर का चोट ज्यादा गंभीर नहीं है तो एक राहत की बात है। और वैसे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, यह दूरदर्शन से बने हुए, इनके पास 15+ वेबसाइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सभी डिटेल्स ले सकते हैं। इसके साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ जहां पर आप काफी सारा डिटेल इनके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, तो स्क्रीन पर दिए नंबर से टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, आपको बताना चाहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को दे दी गई थी जडेजा के द्वारा और इस पर कुछ बड़े खुलासे हुए, जहां पर यह खबर आ रही है कि जडेजा ने कप्तानी धोनी को दी नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो प्रमोटर्स थे और जो एडवर्टाइजर्स थे और जो स्पॉन्सर्स थे, मैनेजमेंट थे, वह बिल्कुल भी जडेजा के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जडेजा मायूसी भरी कप्तानी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है और उन्हें पता नहीं कि चेन्नई सुपर किंग्स को आखिर कैसे लीड करना है। तो ऐसे में कप्तानी मैनेजमेंट ने जडेजा से दे दी धोनी को और चेन्नई के कैंप में जो खिलाड़ी थे उनसे जब बातचीत हुई तो पता चला कि जडेजा काफी ज्यादा प्रेशर लेते थे कप्तानी को लेकर और बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, जिसकी वजह से उनका प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था और ऊपर से चेन्नई की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो यही सब कुछ वजह रहा जिसकी वजह से धोनी को कप्तानी दे दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्रिकेट के ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, उनका मानना है कि यदि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों कल का जो मुकाबला खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, उसमें ढेर सारे रिकॉर्ड्स बने और टूटे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने स्क्वाड के 20 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है अभी तक की सीजन में अपने प्लेइंग 11 को तैयार करने के लिए। इसके पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने 19 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया था। रिंकू सिंह ने कल शानदार प्रदर्शन किया और आईपीएल में अपना सबसे ज्यादा स्कोर बनाया 42 रन का। इसके पहले उनका 35 रन का हाईएस्ट स्कोर था। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अभी तक 5 नए ओपनिंग जोड़ियों का इस्तेमाल किया है अपने सिर्फ 10 मुकाबलों में। कल संजू सैमसन पहली बार इस सीजन 30 बॉल का सामना किए। सिमरन हेटमायर ने आईपीएल में 50 छक्के पूरे कर लिए हैं। संजू सैमसन अभी तक 16 बार 50 से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, जो कि तीसरे नंबर पर है। और नंबर 1 पर है जॉस बटलर जिनके 50+ स्कोर है और दूसरे पर है जजिंगा रहाणे। संजू सैमसन ने अभी तक 9 बार टॉस हारा है और एक बार जीता है आईपीएल 22 में। उमेश यादव ने अभी तक आईपीएल के करियर में 53 बार पावर प्ले में विकेट लिया है और 53 बार भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा भी ले चुके हैं और तीनों ही एक साथ नंबर 1 पर हैं। श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक इस सीजन हर एक मुकाबले में 10 से ज्यादा रन बनाए हैं और बाकी के रिकॉर्ड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। दोस्तों कल हम वीडियो नहीं पोस्ट कर पाए थे और उस वीडियो में एक बड़ा अपडेट था महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपनी कप्तानी को वापस से रिज्यूम किया तब उनसे पूछा गया था कि क्या वह आईपीएल 23 में दिखने वाले हैं। तो इसको लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि बिल्कुल वह पीली कलर की जर्सी में दिखने वाले हैं। हालांकि उसमें एक ट्विस्ट है कि वह पीली जर्सी वह खिलाड़ी का रहेगा या तो फिर किसी और का रहेगा, यानी कि कोच वगैरह का, वह इसे कंफर्म तरीके से नहीं बता सकते हैं, लेकिन वह गारंटी दी है कि वह चेन्नई के खेमे में अगले साल दिखने वाले हैं। तो हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी अपना मूड बदले और फिर से आपको चेन्नई की तरफ से खेलते हुए दिखें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या धोनी अगले साल भी आईपीएल में कप्तानी करेंगे और चेन्नई की तरफ से खेलेंगे कि नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 22 में खराब अंपायरिंग को लेकर। असल में कल के मुकाबले में भी हमें फिर से आईपीएल में खराब अंपायरिंग देखने को मिली है और अभी तक के आईपीएल के इतिहास में आईपीएल 22 का जो सीजन है उसमें सबसे खराब अंपायरिंग और अंपायरिंग का सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड देखने को मिला है, जहां पर कल के ही मुकाबले में अंपायर ने 3 से 4 बार वैलिड बॉल को वाइड बॉल दे दिया। और इसको लेकर बीसीसीआई ने अपडेट दिया है कि अगले साल से आईपीएल में अंपायरिंग के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाएगा। हालांकि इस साल आपको आईपीएल के स्टैंडर्ड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और कई लोग का ऐसा मानना है कि यदि खिलाड़ियों को फाइन भरना पड़ता है कुछ गलती करने के लिए तो ऐसे में कुछ नियम अंपायर के लिए भी बनना चाहिए, तो फाइन लगाना चाहिए यदि कोई अंपायर गलत डिसीजन लेता है, तो ताकि इस तरह से अंपायर भी गलती करने से डरेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना
सातवां अपडेट दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आ रहा है रविंद्र जडेजा की तरफ से। रविंद्र जडेजा ने भले ही कप्तानी छोड़ दी हो, लेकिन चेन्नई की मैनेजमेंट इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कल ही इंस्टाग्राम और ट्विटर से चेन्नई सुपर किंग्स के जो ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने रविंद्र जडेजा को अनफॉलो कर दिया है। इसका मतलब कुछ तो बड़ा हुआ है चेन्नई के कैंप में, जो इतना सारा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। और यह इशारा करता है कि हो सकता है अगले साल आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रविंद्र जडेजा को यह टीम रिटेन ना करे या तो फिर बाहर कर दे। इसकी भले ही पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन थोड़ा सा चांस कम है, क्योंकि साल 2012 से ही रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं। और जब तक महेंद्र सिंह धोनी है, तब तक जडेजा का चेन्नई से बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक कि वह बहुत ज्यादा बेकार प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट दोस्तों। कल के मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में बड़े उलटफेर हुए हैं, जहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें, कल के मुकाबले में जीत मिलने के बाद भी कोलकाता की टीम सातवें नंबर पर है और राजस्थान रॉयल्स की टीम तीसरे नंबर पर है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। नंबर वन पर गुजरात, नंबर दो पर लखनऊ, नंबर चार पर सनराइजर्स हैदराबाद, नंबर पांच पर बैंगलोर, नंबर छह पर दिल्ली, आठवें नंबर पर पंजाब, नौवें नंबर पर चेन्नई और दसवें नंबर पर मुंबई। इसके साथ ही ऑरेंज कैप जॉस बटलर के पास है और वह इस रेस में बहुत आगे चले गए हैं। उनका 588 रन है, जबकि दूसरे नंबर पर केएल राहुल के 451 रन है। चौथे नंबर पर पहुंच चुके इस रेस ईयर कल के अच्छे प्रदर्शन के बाद, और पूरी लिस्ट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही पर्पल कैप युजवेंद्र चहल के पास है 19 विकेट के साथ। दूसरे पर है कुलदीप यादव और कल चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं उमेश यादव, पूरी लिस्ट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा चौके और सबसे ज्यादा छक्के जॉस बटलर के ही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी फिलहाल में जॉस बटलर ही हैं। इसके साथ ही यदि कोई अपडेट यहां पर छूट जाता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताते रहेंगे, और मैच को लाइव कवर करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस तरह के अपडेट्स आपके लिए हर दिन लाते हैं। तुम्हारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।